बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैर खैरियत होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। काफी दिनों के बाद मैं दोबारा से व्लॉग बना रहा हूँ और मावे साहब लेके आ गए हमारे पास बर्गर ही बना। मैंने एक्सपेक्ट किया जो बर्गर लेके आएगा मेड बाय मी, लेके आ गए मेड बाय मी। क्या मैंने बनाए हैं बर्गर लेके आ गया जी माविया साहब, और हमारे पास है जी मुस्तासिम साहब, जिन्होंने मुझे आज फोर्स किया है कि वीडियो लाजिम बनाया करो। यार तो और क्या, इतने दिन हो गया आपका व्लॉग नहीं था आ रहा। चले बना देखता हूँ तो मैं बोलता भी ना। नहीं वो देखता तो इसीलिए उसने बोला। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये बात बैर कफी हमारे पास बर्गर आए, लाओ दिखाओ ना बर्गर तो दिखाओ कारी साहब आपके। तो जी ये रहा हमारा बर्गर बर्गर बर्गर। वाह क्या बात है। अच्छा अभी खाएंगे तो पता लगेगा। बाकी एक लग तो मजे के रहे, चीज नहीं मेल्ट हो रही। जब वो पैटी गरम गरम होती तो उसके ऊपर रख नहीं देना, चीज फिर सही हो जाती। जब वो फ्राई हो रही होती है ठीक है तब उसके ऊपर रखनी होती है ना। जब एक साइड फ्राई कर लो फिर उसके ऊपर रखनी होती है। बरकत जी ये आया मुसासिम, ये वाला मेरा होगा प्याज वाला। आप इधर से पकड़ो, तीनों में ही है। चलो सॉरी, आ जाओ इधर बैठो आके। साथ में कोल्ड ड्रिंक नहीं लाए? नहीं। चलो यार इसको चेक कर लो, बांध दे इसको दो दो। और वाकई ही जो है ये चीज ऐसे ही है पड़ी हुई। नहीं आप जब करोगे ना भाई तो उसमें आ जाती है, मतलब सही नरम ही है। प्याज मैंने जब स्पेशल क्या के बनवाया था, मैं एक रेसिपी देख रहा था उसके अंदर प्याज उसने ऐड किया हुआ था, तो लेकिन ये था कि वो कुछ ऐसे का नहीं था, बट जैसे का भी था टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉट बैड, जायका माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। प्याज है वो लेकिन उन्होंने ज्यादा फ्राई नहीं था किया, लेकिन ये कि प्याज के बगैर भी बिल्कुल ठीक है। बताना भी है कैसा बना। अभी तो चेक कर रहा हूँ। करो फिर एक बर्गर तो चेक करने में आएगा ना। हाँ चेक ही होना है आपका पास। यार नहीं मैंने भाई मैंने कुछ बोला, मैं बता रहा हूँ ना। बोलो खाओ तो सही। मैं यार आसिम अच्छा बना लेता यार, सही बात है। आसिम ने नहीं बनाया, किसने बताया? आसिम के फोन ने बनाया, आसिम ने खुद बनाया, कैंटीन ने बनाया। अच्छा बनाया वैसे, अप्रिशिएट इट। वैसे मजे का, और ये बीफ बर्गर है ना, कैसा है वैसे? दूसरे बर्गर से तो अच्छा ना मेरा हाल। सही बात है, अच्छा मजे का बना है। और जी माशाल्लाह यहाँ पे बन रहे हैं बर्गर। इस बार बना रही है बर्गर है, इस बार ना बना रहा है, मजे का। और जी ये आ गया मेरा डबल पैटी बर्गर, नेक्स्ट शिफ्ट। नहीं सिंगल ही है, डबल पैटी है, देखो चलो यस ही करो। यहाँ पे बन रहा है सारा कुछ जो मैं आपको पहले नहीं दिखा सका था, तो हम फिर कभी बनाएंगे खुद से। अजान जोहर स्टार्ट हो गया और मैं भी जब अभी भी नहा के बाहर निकला हूँ, और मेरा इरादा बन रहा है कि हम लोग जो है वो कुछ टाइम के लिए बैठते हैं धूप के अंदर। वैसे काफ़ी ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहा मेरा फेस, बड़ा चिटा चिटा लग रहा है। नहीं हो चलते हैं धूप के अंदर जाके बैठते हैं, पता नहीं चिटा लग रहा हूँ कि पीला लग रहा हूँ। हम लोग जाके बैठते हैं धूप के अंदर। असम साहब आप भी नहा के आए हो यार, एक काम करो वहाँ से ना अंदर चाय का कपड़ा वो पकड़ो, उस साइड से आओ कुंडी खोलो और चेयर मुझे उधर पकड़ा दो। मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मैंने भी अभी भी किया, मैं आपको बता रहा हूँ मैं ये करवाया। ओके भाई मेरा काफी स्लो स्लो लग रहा है मुझे। चाय की जल्दी आती है, बैठते हैं जिस चेयर के ऊपर। देख रहे हो ये काफी स्लो स्लो लग रहा है मोबाइल, है ना, है ना। मोबाइल मेरा स्लो हो गया, ऐसे पूरे एंजॉय करते हैं चाय। वैसे मैं शायद मेरे प्रीवियस व्लॉग हैं वो सारे हैं कैमरा के ऊपर, तो मे भी इसलिए मुझे ज़रा प्रॉब्लम नहीं, मे भी इसलिए मुझे लग रहा हो काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ। हाँ
ये काफी दिनों बाद बना रहा हूँ मैं, लगता ज्यादा था फास्ट हो गया, मोबाइल मेरा जब जरा स्लो स्लो हो गया। इस ग्रीनरी को हम लेफ्ट साइड करते हुए सूरज को जब मुंह शरीफ करते हुए चाय पीते हैं। संडे की खुशी में बच्चा पार्टी भी सारी जगह बाहर खेल रही है और धूप भी माशाल्लाह बहुत मजे की साथ साथ धूप एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो अपने गेम खेल रहे हैं। इधर के हालात भी माशाल्लाह काफी अच्छे हो चुके हैं, ग्रीन ग्रीन सारा लश ग्रीन हो गए। एक दो बार जो है वो इसके अंदर से उन्होंने काट भी दिए, यहाँ से पालक काट दी है और उस जगह से भी जो पालक एक बार काट दिया, माशाल्लाह फिर भी जो बहुत खूबसूरत और ग्रीन ग्रीन लग रहा है सारा। जो आपको बड़े बड़े पत्ते नजर आ रहे हैं ये मूलियों के पत्ते हैं। अजाने से स्टार्ट हो गई और मैं भी कमरे में बैठा कुछ कुछ कर रहा था और मुझे आगे कॉल लड़के की कि आओ हमारे पास, वो साथ वाली गली में रहता था, मैं जा रहा हूँ उसके पास और जाके कुछ टाइम उसके पास बैठते हैं। इवन वीडियो बना ली भी है, काफ़ी हद तक बन गई भी है और ऑनेस्टली स्पीकिंग पता नहीं क्या बात है, लेजीनेस कह सकते हैं या आई डोंट नो कि क्या हुआ है, लेकिन यह कि बिल्कुल भी वीडियो एडिट करने का भी दिल नहीं कर रहा है और पता नहीं क्या सूरत हाल है। इवन तो मेरे पास 3 हफ्ते पहले का एक वीडियो बनी पड़ी है और मैं एडिट नहीं कर सका, लेकिन यह कि आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लाजमी एडिट करें। आज संडे है, आज संडे वाले दिन नहीं तो कल एटलीस्ट मंडे वाले दिन जाओ मेरी एक वीडियो इंशाल्लाह 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 बफजल खुदा लाजमी आ जाएगी। बाकी देखिए क्या बनता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, मुझे नहीं पता आने वाला वक्त कैसा होता है या मेरा मूड कहाँ को कन्वर्ट हो जाता है। काफ़ी कुछ मैंने लर्न किया इन पिछले प्रीवियस डेज के अंदर, तकरीबन एक पूरा माह अबाउट एक माह जो मैं रहा हूँ चार पी पे रहा हूँ, यानी कि चार पी पे होता था मैं और मेरे साथ होता था आईपैड इंटरनेट एंड सर्चिंग एंड एक्सप्लोरिंग एंड समथिंग समथिंग, काफ़ी कुछ लर्न किया है इंशाल्लाह, वो भी वक्त के साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी जब मैं चलता हूँ क्योंकि वो लोग आ रहे हैं बाइक पे अपने घर में और मुझे जाने यहाँ से पैदल, मुझे टाइम ज़्यादा लग जाना है, जल्दी जल्दी चलते हैं उसके पास। क्योंकि पहले भी इसकी रात को भी कॉल आई थी, वो नाराज़ हो रहा था मेरे से, तो ज़्यादा नाराज़ नहीं करते हैं किसी को, तो वक्त है तो उसको ज़रूर जो है वो हम सर्व करते हैं इकट्ठे, तो हम निकलते हैं उसकी तरफ। उधर का भी काफ़ी कुछ है, वो इंशाल्लाह आपको बाद में विज़िट करवाते हैं। और अभी जो हम उतरने लगे हैं सीढ़ियाँ, इसे आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे छलांग लगाने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली एक स्टेप जो है वो मुझे वाकर पीछे रख के लेना पड़ता है और दूसरा स्टेप जो है वो वाकर इधर रख के नीचे, तो फिर जो है वो हम नीचे उतर सकते हैं। यानी कि ये ऐसे ऐसे हम लोग रखेंगे वाकर इधर और फिर जो है वो हम नीचे उतरेंगे। आज वीकेंड है और बाहर भी जो है काफ़ी रश पड़ा हुआ कपड़ों का, इनके मेजोरिटी ऑफ घरों में जो है वो कपड़े धो देते हैं और ये एक अच्छा स्पॉट है सबके लिए कि धूप यहाँ पे जब अच्छी लग रही होती है तो सारे के सारे जो है वो कपड़े यहाँ पे डाल देते हैं धो के। आसिम साहब और उसके दोस्त जो है वो बना रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड बैडमिंटन का, लेंथ वगैरह पूछ के चले गए थे मेरे से, लेकिन ये कि बना वो खुद ही रहे हैं, इसमें जो है वो मैं उनकी कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता हूँ फिजिकली, लेकिन ये है कि वैसे मॉरल सपोर्ट जो है वो मेरी इनके साथ है। मावे साहब कहाँ घूम रहे हैं? सब्जी ले आए? नहीं थैंक यू, मैं नहीं खाता ऐसी गंदी चीज़। कुछ अर्सा पहले तक यहाँ पे भी जो है वो बिल्कुल छप्पड़ ही हुआ करता था, इनके पानी यहाँ पे खड़ा रहता था बारिश वाला और काफ़ी जो है वो मांदे हाल थे इस जगह के, लेकिन यह कि इन वाले भाई साहब ने जो है वो इस पर काफ़ी मेहनत की और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसको कर दिया है। इसमें काफ़ी कुछ लगा हुआ है, ये मूलियाँ लगी हुई हैं, मोंगरे लगे हुए हैं और साग लगा हुआ है इसके अंदर, शलजम लगे हुए हैं, मटर लगे हुए हैं, लहसुन, धनिया, मेथी, वो भी धनिया, पालक, वो कद्दू है कॉर्नर में, लेकिन यह क्या बहरहाल माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की हुई है उस बंदे ने ना, वाजे नज़र आ रहा है। आधा घंटा मुझे बाहर खड़ा रखा है इन्होंने और अभी जाओ पहुंच गए हैं और इधर जाओ माशाल्लाह ये फ्लावर बड़े मज़े के लगे हुए हैं वाले फ्लावर, माशाल्लाह इसके घर में जो है वो अमरूद भी लगे हुए हैं, खूबसूरत सा फूल, ये वाले भी खूबसूरत फूल और ये लगे हुए हैं मज़ेदार से लेमन। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जो है वो अपना गांव के याम याद आ गए और गांव वाला लान जो है वो याद आ गया, उसमें भी फ्लावर्स लगे हुए काफ़ी सारे, उसके अलावा अमरूद खुले, लेमन खुले, यहाँ खुले तो ना सही लेकिन है ज़रूर है, तो वो बिल्कुल जो है वो मुझे वही रिवाइंड हो गया। एक बार हरी चल रही है जी पार्टी और इसके अंदर हमारे पास आ गए हैं जी अमरूद शरीफ, इसके अलावा जी माल्टे ज़्यादा सारे एक दर्जन और केले, छह केले और एक दर्जन माल्टे, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, और अमरूद कितने चार। चलें जी ये तो इनकी मर्जी है, अभी इन्होंने किस कंपैरिजन के अंदर लेके आए, लेकिन ये कि हमारा कंसर्न जो है वो तो है जी खाने से। अजान मगरिब स्टार्ट हो गई, सूरज जो है वो गुरूब हो गया और हम लोग जाने लगे हैं जी घर को। काफ़ी सारा इंजॉय करने के बाद काफ़ी सारा काम तो जो लड़कों ने किया, मैंने जो पास खड़े होकर सुपरवाइज किया, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। अब चलते हैं घर को और जाके देखते हैं, अगर खाना छाना बना हुआ तो खाना खाएंगे, नहीं तो खाना जो है वो बाद में खाएंगे। पता नहीं क्या पता कान भी जो बंद हुए हैं शायद ठंड की वजह से हुए हैं। और हमारे पास जी पहुंच चुके हैं जैब के चाचू जान। सर जी की हाल चाल? भाजी भाजी कैसे तबीयत?
बहुत बदतमीज ने तुम मोटा मोटा कहते रहते नहीं कहना चाहिए गलत गल है मोटा आज तो बात किसी ने मोटा क्या तो मेरे तो बुरा पता कुछ एक होता वही कह रहा था कि मतलब वीडियो में देख के बंदा फैन कैसे होता मुझे अभी फील हुआ मैं जब इनको देखा था ना मैं हाँ मैं तो एक चाहत थी देखने की थोड़ी सी अट्रैक्शन पैदा हुई थी वो मतलब ये गाड़ियों के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन रखते हैं आउटर लुक जो है वो बस सेल परचेज का इनकी बिजनेस करते हैं सेल परचेज का तो नहीं करते वो देख के समझते हैं माशाल्लाह तुम्हारे घर के गेट में खड़े होते हैं एकदम अच्छा लगता है सही मैंने सबसे पहले बताया था सबसे ज्यादा ये खराब है सबसे ज्यादा और भाई तेरा सफर कैसा रहा हेलो पाजी पाजी सोखा या लाउड आवना बदलावर बदलावर भाई दिलावर जी सफर कैसा रहा तेरा जबरदस्त ਹੈਰਾਨਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿੰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਦੂੰ ਓਕੇ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਬੜੇ ਹੁਣ ਖੱਜਲ ਹੋ ਹਟੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਢੋਆ ਸਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਾਤ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ जल की बदबू आ रही है कुछ वो हंस के भी कह रहे शुक्र करो अभी इंजॉय करते हैं इनकी कंपनी और इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत नहीं बल्कि खाना है मेरे लिए स्पेशल खाना तो खाना खाते हैं साथ आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद जब इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहेंगे उसके अलावा ज़ुहैब के वालिद साहब जो है पास साबर वो भी आए हुए हैं तो भी गए हैं बाहर उनको जरा कॉल आ गई थी तो उनसे भी आपको मिला के तो फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं वैसे क्या इत्तेफाक की बात है कि मैं इतने तकरीबन एक माह के बाद मैंने दोबारा ब्लॉग शुरू किया है और माशाल्लाह इतने ज्यादा जो है मेरे कंपेनियन जो है वो आज मुझे मिल गए हैं आज ही के ब्लॉग के अंदर चाय शरीफ और डिस्कशन बहुत पुरजोश तरीके से चल रही है गाड़ी को लेके जेब तेरे से नहीं है चाय ठीक है चल रहा बेसिकली यहाँ पे चल रहा है खुला डुला और मेरे लिए आ गए जी खाना शरीफ काफी दिन मेरे से गायब रहे और खुद जब वो नए नए एक्सपीरियंसेस लेते रहे हैं तो इसलिए काफी सारी जब डिस्कशन है और आदत अभी तक भी नहीं गई क्या फायदा हुआ इतना लंबा घूम फिर के आके भी चोरी किया तभी तक एक एक किलो चावल इसने अकेले खाए थे उसकी वो चावल में बोटियां थी क्या किलो बोटियां भी थी बदलावन को एक नहीं खाने दी इसने किलो अकल ही लभ दो ऐसे आप भी अकल नहीं लभने की तभी तो अभी मैं खाता हूँ खाना और उसके बाद इंशाल्लाह चाय वगैरह एंजॉय करेंगे और इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा सदा खुशी इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नई वीडियो में अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।